सिग्नेचर ब्रज मारपीट मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान को कोर्ट से मिली राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने दिए जमानत के आदेश। बदलेगा दिल्ली का नजारा, राजधानी में बनेगा 5.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, नीचे फ्लाईओवर और ऊपर बनेगा मेट्रो ट्रैक। किराया बढ़ोतरी की मांग पर दिल्ली सरकार ने बनाई 11 सदस्यीय कमेटी, ऑटो बस मेट्रो फीडर मैक्सी कैब के किराए में होगी बढ़ोतरी, आखिरी बार मई 2013 में बढ़े थे ऑटो के किराए। दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू, दिल्ली सरकार ने पूरे शहर को सीसीटीवी कैमरों की कवरेज में लाने का तैयार किया मॉडल, इसके तहत फर्स्ट फेज में 1.5 लाख और हर विधानसभा क्षेत्र में 2,000 कैमरे लगाए जाएंगे। खुफिया एजेंसी को व्हाट्सएप पर मिली जैश ए मोहम्मद की धमकी, दिल्ली में हाई अलर्ट जारी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। सरिता विहार में 73 साल की बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या, हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में किया फेरबदल, दिल्ली में 40 पैसे महंगी हुई सीएनजी, एनसीआर में घटे दाम। दिल्ली की हवा फिर बनेगी जहरीली, पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में 500 के पार जा सकता है प्रदूषण का स्तर। गुरुग्राम में जेट एयरलाइंस की महिला अधिकारी ने की खुदकुशी, पंखे से लटकी मिली लाश, इंडिगो एयरलाइंस में असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर के पद पर तैनात थी महिला। 1.5 घंटे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में सुंदरवाटी गिरोह का शार्प शूटर घायल, असला और कारतूस बरामद। बीजेपी विधायक बावन सिंह के बेटे पर लगा गुंडागर्दी का आरोप, मोनू सिंह और उसके साथियों पर एक सरकारी कर्मचारी से मारपीट का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने की बीजेपी की खिंचाई, राम मंदिर निर्माण को बताया जुमला, कहा मंदिर निर्माण की बात करते हैं लेकिन तारीख नहीं बताते। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का राम मंदिर पर बड़ा बयान, बोले राम के भारत में राम को थोड़ी सी जगह देने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। चेकिंग के दौरान दबंग युवकों ने की पुलिस की पिटाई, 2 युवक गिरफ्तार, एक मौके से फरार, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, साथ ही मौके से हुआ फरार। हमीरपुर में जल संस्थान ने दी शासन को चेतावनी, पेयजल परियोजनाओं के रखरखाव के लिए बजट न मिलने पर जताई नाराजगी, 30 नवंबर को 95 गांव की जलापूर्ति बंद करने की दी धमकी। यमुनोत्री हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी बस, हादसे में 5 यात्रियों की मौत, 9 यात्री घायल। सुपौल जिले के किशनपुर क्षेत्र में झोपड़ी में घुसा ट्रैक्टर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीसराय जिले में पुलिस ने 30 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, सूचना मिलने के बाद पुलिस ने की थी छापेमारी। 6 घंटे तक रांची में रहे संघ प्रमुख मोहन भागवत, साधु संत बुद्धिजीवियों के अलावा जनजातीय सेवा से जुड़े लोगों से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार, बोले 50 साल तक देश में राज करने वालों ने जनता को धोखा दिया, ऐसे लोगों को माफ मत करना। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुंगेली में किया जनसभा को संबोधित, जनता से मांगा साथ, रफाल पर पूछा चुप क्यों हैं पीएम मोदी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का कांग्रेस पर वार, बोले छत्तीसगढ़ को राज्य नहीं बनाना चाहती थी कांग्रेस। गरियाबंद में 2 गांव के ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार का लिया फैसला, सड़क और पुल नहीं बनने से नाराज हैं ग्रामीण।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में पदस्थ उप महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव को निर्वाचन आयोग का नोटिस। भार्गव को आरएसएस के पक्ष में सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करने के मामले में जारी हुआ नोटिस। छतरपुर जिले में पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। ट्रक से अवैध शराब बरामद, पुलिस युवक से पूछताछ में जुटी। देवास जिले के नाहर दरवाजा थाना क्षेत्र पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, हादसे में एक पुलिसकर्मी सहित दो लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में मोदकपुर के पास बीजेपी का प्रचार रथ दुर्घटनाग्रस्त, पेड़ से टकराकर पलटा बीजेपी का प्रचार रथ, एक कार्यकर्ता की मौत, तीन घायल। नाथद्वारा में भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा हो रही है तैयार। प्रतिमा का 85% काम पूरा, मार्च 2019 तक तैयार होने की संभावना। भीमा कोरेगांव मामले में वरवरा राव गिरफ्तार। नजरबंदी खत्म होते ही हैदराबाद में घर से हुई गिरफ्तारी, महाराष्ट्र पुलिस पुणे कोर्ट में करेगी पेश। अमृतसर के निरंकारी भवन में बम विस्फोट, धमाके में 3 की मौत, 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर, दो बाइक सवार संदिग्धों ने ग्रेनेड से किया हमला। नवजोत सिंह सिद्धू ने जताई जान को खतरे की आशंका, गृह मंत्रालय से मांगी सुरक्षा, सीआईएसएफ से सुरक्षा प्रदान किए जाने का आग्रह। पंजाब में गन्ना किसानों का रेल आंदोलन, आंदोलन के चलते 71 ट्रेनें की गई कैंसिल और डायवर्ट, गन्ने का बकाया मूल्य देने की मांग कर रहे हैं किसान। इंडियन नेशनल लोकदल में बड़ी खींचतान, पिता ओपी चौटाला से नाराज अजय चौटाला ने बनाई नई पार्टी, 9 दिसंबर को जींद की रैली में करेंगे नई पार्टी का ऐलान। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के रेप वाले बयान पर मचा घमासान, कांग्रेस ने कहा खट्टर सरकार ने किया बेटियों का तिरस्कार, केजरीवाल ने पूछा लड़कियां कैसे रहेंगी सुरक्षित, खट्टर ने बयान पर दी सफाई। हरियाणा के हर तहसील में खुलेगा महिला थाना, दिसंबर में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, डीजीपी बलजीत सिंह संधू ने दी जानकारी। शिमला में माल रोड पर हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 6 युवतियों समेत 8 गिरफ्तार, पुलिस ने जाल बिछाकर किया रैकेट का भंडाफोड़। श्रीनगर नौगाम रेलवे स्टेशन से महिला आतंकी गिरफ्तार, लश्कर और हिजबुल दोनों के लिए करती थी काम, AK-47 राइफल के साथ महिला के फोटो सोशल मीडिया पर हुए थे वायरल। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, भारी संख्या में हथियार बरामद। शोपिया जिले से अज्ञात बंदूकधारियों ने एक और युवक का किया अपहरण, बंदूकधारियों की कैद में हैं 3 युवक, अब तक शोपिया से 7 युवकों का किया गया है अपहरण। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने मनाया विरोध दिवस, बीजेपी ने पार्टी के राज्य महासचिव के सुरेंद्रन की नजरबंदी के खिलाफ मनाया विरोध दिवस। तमिलनाडु के बाद केरल पहुंचा तूफान गाजा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, भारी बारिश से लोगों को हो रही है परेशानी। सुरेंद्रनगर में ट्रक और कार के बीच टक्कर, हादसे में एक परिवार के 6 लोगों की मौत, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रूपाणी सरकार ने गुजरात राज्य भूमि विकास निगम को बंद करने का लिया फैसला, कंपनी पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं का लगा था आरोप। मणिपुर विधानसभा परिसर में संदिग्ध उग्रवादी हमला, हमले में 3 सुरक्षा कर्मी घायल, उग्रवादियों ने फेंके हथगोले। मिजोरम में 200 से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, प्रदेश महिला अध्यक्ष जेवी लूना ने कहा मिजो महिलाएं पारंपरिक रूप से राजनीति में अधिक रुचि नहीं लेती। स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ओडिशा ने लेक्चरर पद के लिए 833 पदों पर निकाली रिक्तियां, 11 दिसंबर 2018 है आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने अपने ही एडिशनल कमिश्नर की गाड़ी का काटा चालान, नो पार्किंग जोन में खड़ी थी कार, ₹235 लगाया जुर्माना। त्रिपुरा के विपक्षी दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने बीजेपी पर लगाया हमला करने का आरोप,
कहा बीजेपी ने कमला सागर के विधायक समेत उनके 35 कार्यकर्ताओं पर किया हमला। और गोवा में बीजेपी के सहयोगी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी की चेतावनी, अध्यक्ष दिलीप धवलीकर ने कहा हमारे मंत्री को बनाए मुख्यमंत्री। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।